गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेम टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशूड एट प्रीमियम. स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है. हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर. The amount was payable as follows on application: rupees 4 including premium means 2 application money plus 2 premium money. On allotment 6 including premium, 2, 4 allotment money plus 2 premium. Balance amount is 4. 2 application, 4 allotment, remaining 4. ये आपका first and final call पर transfer हो जाएगा. Application for 60,000 share were received. Allotment was made to all the applicant on prorata basis. Excess application money was adjusted towards some due on allotment. Ram, to whom 500 share were allotted, failed to pay the allotment and call money. Ram को 500 share यहाँ पे allot किए गए थे, तो Ram का हमें applied share निकालना पड़ेगा. Shyam, to whom 1000 share were allotted, failed to pay the calls money. These share were forfeited. Out of the forfeited share, 1200 share including all share of Shyam were reissued at 10% discount as fully paid up. तो यहाँ पे जो Shyam का share है 1000, इस पर आपको कोई adjustment नहीं करना है क्योंकि allotted share already दिया हुआ है, और इनका जो pending amount है वो calls पर, क्योंकि adjustment complete हो जाएगा उस केस में आपको यहाँ पे applied share निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेन रीज़न ये है कि एक्सेस अप्लीकेशन सिर्फ 10,000 share का रिसीव हुआ है, तो ये अमाउंट अलाटमेंट को रिकवर करने के लिए सफिशियंट नहीं है, इसलिए कॉल्स पर कोई एक्सेस अमाउंट नहीं जाएगा, मीन्स कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आगे आपसे कहा गया है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेन एवर नेसेसरी. तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन रिसीव किया 60,000 शेयर के लिए, इसका जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पहला वर्क हमारा होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आपने एप्लीकेशन रिसीव किया 60,000 शेयर का, पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो गया आपका 2,40,000. सेकेंड एंट्री, आप एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल आपको चाहिए 50,000 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी 2 रुपये इंक्लूड था, 50,000 इंटू 2. और आपका जो बैलेंस अमाउंट होगा टू शेयर अलाटमेंट, ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अलाटमेंट पर 10,000 शेयर का 4 रुपीज़. तो ये हो गया आपका 1,00,000 शेयर कैपिटल, 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, और 40,000 आपका हो गया शेयर अलाटमेंट में जो अमाउंट एडवांस ट्रांसफ़र हुआ. टोटल अमाउंट 2,40,000 अलाटमेंट ड्यू के लिए. शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. तो अब यहाँ पे देखिए, आपका शेयर कैपिटल कितना होगा अलाटमेंट पर, 50,000 शेयर का 4 रुपीज़, और प्रीमियम होगा 50,000 शेयर का 2 रुपीज़. तो ये हो गया आपका 2,00,000, और ये आपका हो गया 1,00,000. टोटल हो गया आपका शेयर अलाटमेंट 3,00,000. ये आपका ड्यू है. अब यहाँ पे आपको अलाटमेंट मनी रिसीव करना है, लेकिन उससे पहले आपको एडजस्टमेंट करना होगा. तो अलाटमेंट मनी रिसीव करने के लिए एंट्री जो आप दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आएगा बेटा, कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट, ये आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो चलिए वर्किंग नोट से अमाउंट का एडजस्टमेंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या अमाउंट आएगा। तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अप्लाइड शेयर ऑफ राम, अप्लाइड शेयर ऑफ राम। तो यहाँ पे डायरेक्ट करके देखते हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर अलाटेड शेयर दिया हो तो अलाटेड बेस होगा, अप्लाइड दिया हो तो अप्लाइड बेस होगा। यहाँ पे राम का अलाटेड शेयर दिया गया है, तो इस कंडीशन में अगर हम अप्लाइड निकालेंगे तो अलाटेड शेयर दिया हुआ है, अलाटेड बेस हो जाएगा। कैटेगरी क्या थी, 60,000 अप्लाइड और 50,000 अलाटेड। तो हमारा अलाटेड हो गया बेस, अप्लाइड हो गया ये, मल्टीप्लाई हो गया पार्टिकुलर अप्लीकेंट को जो अलाटेड शेयर है उससे, तो टोटल हो गया हमारा 600। एक स्टेप कंप्लीट हुआ, तो हमको यह पता चल गया कि कितने शेयर एक पार्टिकुलर अप्लीकेंट को अलाट किए गए और अप्लाइड कितना था। सेकेंड स्टेप पर आप आएंगे, सेकेंड स्टेप एक्सेस एप्लीकेशन फ्रॉम राम। तो राम से एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर का आया, 600 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया आपका 400 रुपीज़, 400 एक्सेस एप्लीकेशन राम से रिसीव हुआ। थर्ड स्टेप पर आप आएंगे, सी यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलाटमेंट फ्रॉम राम, टोटल शेयर 500, पर शेयर 6 रुपीज ड्यू था 3000, लेस एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन आया था 100 शेयर का 4 रुपीज़ 400, टोटल 2600 अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलाटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलाटमेंट, ये रिसीव नहीं हुआ। लास्ट स्टेप टोटल अलाटमेंट ड्यू, तो अलाटमेंट ड्यू है 50,000 शेयर का, पर शेयर 6 रुपीज़, तो ये हो गया आपका 3 लाख, लेस एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास आया था 10,000 शेयर का, पर शेयर 4 रुपीज़, तो ये हो गया आपका टोटल 40,000, टोटल अलाटमेंट ड्यू ₹2,60,000। अब यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, लेस अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम राम, तो राम से आपको नहीं मिला 2,600, तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 2,57,400, ये आपको रियल अमाउंट अलाटमेंट पर रिसीव हुआ। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो गया 2,600 और रियलाइज अमाउंट हो गया 2,57,400। इसी का ट्रीटमेंट आप जनरल एंट्री में करेंगे, 2,57,400 एंड 2,600 कॉल्स इन एरियर एंड टोटल 2,60,000। अब इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये आपका टोटल हो गया 50,000 शेयर का 4 रुपीज़ 2 लाख ड्यू, नेक्स्ट एंट्री अमाउंट रिसीव करने के लिए
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए बैंक से रियलाइज अमाउंट कितना होगा, 1500 शेयर को छोड़कर, 500 राम का, 1000 श्याम का, तो यहाँ पे 1500 का पर शेयर 4 रुपीज़ चला जाएगा आपका एरियर में, और 48500 का 4 रुपीज़ ये रियलाइज होगा। तो ये हो गया 1,94,000 और ये टोटल अमाउंट हो गया आपका 6,000, टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,00,000 रुपीज़। नेक्स्ट, अभी आपको फार फ्यूचर दिखाना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि जिसने अलाटमेंट और कॉल पेमेंट नहीं किया उसके शेयर को फारफीट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल 1500 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो गया आपका 15,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका 500 शेयर का 2 रुपीज़ प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ था, 1000 टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर आपका अलाटमेंट पर 2600 और फर्स्ट कॉल पर आपका 6000, तो टोटल हो गया 8600 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 7400। अभी आपको रीशू करना है, रीशू के लिए कंडीशन है 10% डिस्काउंट के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आप जो रीशू कर रहे हैं ये 1200 शेयर रीशू कर रहे हैं, इसमें आपका 200 शेयर राम का है और 1000 शेयर श्याम का, ये पूरे शेयर इंक्लूड किए गए। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 1200 मल्टीप्लाइड बाई 9, 1 रुपी डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 10,800 शेयर फॉर फ्यूचर, ये डिफिशेंसी एडजस्ट करने के लिए 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया आपका 1200 टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आपका हो गया 12,000। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए आपने जो शेयर फॉरफिट किए राम के, इस पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपने 500 शेयर फॉरफिट किया, इन्होंने 600 एक्चुअल में 600 शेयर पर पेमेंट किया था 4 रुपीज़, एप्लीकेशन के अलावा इन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया, तो इनका हो गया 2400। फॉरफीचर में प्रीमियम दिखाया नहीं जाता, तो इन्होंने 2 रुपीज़ एप्लीकेशन दिया था प्रीमियम के लिए 500 शेयर पर, तो ये प्रीमियम माइनस हो गया 1000, तो रिमेनिंग बचा आपके पास 1400, आपको प्रॉफिट चाहिए 200 शेयर पर क्योंकि आपने रीशू किया, तो 200 पर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर 14,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये टोटल आपका जो अमाउंट आएगा 560, और 1000 पर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर ये श्याम का, तो इस पर जितना भी प्रॉफिट हुआ था इनका पूरा बैलेंस चला जाएगा, ये हो जाएगा 6000, टोटल हुआ 656 लेस लॉस, तो लॉस ऑन रीशू था आपका 1200, 06, 3 एंड 5, तो 5360 इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर
her teacher account debit to capital reserve 5360. ओके स्टूडेंट, ये दो MCQ और एक लॉन्ग क्वेश्चन सेम टॉपिक पर बेस्ड है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इनके सब प्रॉब्लम आप डिस्कस करेंगे. थैंक यू.